हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स या मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोग प्रमुख नदियां देख रहे थे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें बात करेंगे यूरोप की प्रमुख नदियां। याद रखिए, आपके मैप से संबंधित जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो हम लोग बात करते हैं यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यूरोप की मानचित्र में अवस्थिति देख लेते हैं, कहाँ कौन सा देश है यूरोप में। ठीक है, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और इसमें ये हमारा एशिया। ठीक है, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप ऊपर, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर। ठीक है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें एशिया में ये आपका भारत है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये भारत है। यहाँ ये नीचे श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, ये नेपाल है हमारा, यहाँ अफगानिस्तान से सीमा लगी हुई है, ये चीन से है ऊपर, अब पाकिस्तान। ठीक है, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी। हमें बात करनी है यूरोप के बारे में। कहाँ? यूरोप के बारे में। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, ये है हमारा प्यारा यूरोप। ठीक, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में रूस का कुछ भाग और आपका तुर्की भी यूरोप में आता है, और पांच देश ऐसे हैं जो दोनों महाद्वीप में आते हैं, यूरोप में भी एशिया में भी। कौन कौन से? एक है अर्मिया, आपका अर्मिया, दूसरा है आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान यहाँ ये है। ठीक है, और फिर है रसिया, रूस। ये रसिया का कुछ भाग यूरोप में हो, कुछ भाग एशिया में, और तुर्की, तुर्की। ठीक है, तुर्की भी यूरोप में आता है और आपका एशिया में भी आता है, और जॉर्जिया ये भी आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके देशों की। तो ये तुर्की हो गया आपका, ये आपका कृष्ण सागर, यहाँ भूमध्य सागर, त्रिहेनियाई सागर, ये स्पेन, पुर्तगाल, बॉस्लिना, फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुपिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोएशिया, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, चेकिया, नीदरलैंड, बेल्जियम। ठीक है, ये सभी आपके तुर्की में हैं, देश यूरोप में है। तुर्की भी यूरोप में ही है, जॉर्जिया भी यूरोप में ही स्थित है, अजरबैजान का कुछ भाग यूरोप में ही है। ठीक है, एशिया में है कुछ भाग। ये यहाँ भूमध्य सागर है, त्रिहेनियाई सागर है, ये कृष्ण सागर है, ऊपर चलें तो ये बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है आपका, और ऊपर चलें तो ये नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर, ये बेरेंट सागर है। ठीक है, ये है आपका पूरा यूरोप। अब इनके हम लोग देखते हैं, यहाँ एक कैस्पियन सागर है, दिख रहा है, अजरबैजान लगता है कैस्पियन से, तुर्कमेनिस्तान, इरस्तान, ईरान। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इनकी अवस्थिति, नदियों की अवस्थिति देख लेते हैं, कहाँ कौन सी नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ये बेरेंट सागर है आपका, ये है आपका पूरा यूरोप। कौन सा? यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप पूरा। ये है ऊपर से, तो सबसे पहले ऊपर इसे देखते हैं हम लोग, यहाँ बेरेंट सागर है, ये नॉर्वियन सागर है आपका, ये राइट सागर है। ठीक है, आपका ये कैस्पियन सागर है, यहाँ यहाँ काला सागर है आपका, ये मरमरा सागर है, ये आयोनियन सागर है आपका, ये भूमध्य सागर है, टेरिनियन सागर है आपका, लिगुरियन सागर है यहाँ आपका। ठीक है, और ये इजियन सागर है आपका। ठीक है, ऊपर आए तो इंग्लिश चैनल है, ये आपका इंग्लिश चैनल है, आयस
आयरिश सागर है, ये उत्तरी सागर, ठीक है। यहाँ ये आपका बाल्टिक सागर है, एक काला उत्तरी अटलांटिक महासागर है आपका, ठीक है। चलिए अब नदियों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मंजय नदी, ये आपकी मंजय नदी, ठीक है। और यही आपकी उनेगा नदी, ये है आपकी उनेगा नदी, राइट सागर में मिलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बोल्गा नदी, ये है आपकी बोल्गा नदी, कहाँ है बोल्गा नदी, बोल्गा नदी है आपकी, बहती है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये बोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलकर रूस में बहती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है, ठीक है। इस नदी के तट पर बोल्गोग्राड, सरातो तथा आस्तरखान जैसे प्रसिद्ध नगर अवस्थित हैं। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी आपकी, ठीक है। फिर है आपकी डरविया नदी, कौन सी, डवीना नदी, डवीना नदी, ये डवीना नदी है, बाल्टिक सागर में जा गिरती है, ठीक है। फिर आपकी नीचे डॉन नदी, कौन सी डॉन नदी, ये है आपकी डॉन नदी, देख रहे डॉन नदी। डॉन नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह पश्चिमी रूस के टुला से निकलकर एजोब सागर, एजोब सागर, ये है आपका एजोब सागर, एजोब सागर में गिरती है। डॉन नदी को वोल्गा नदी के से नहर द्वारा जोड़कर यूरोप का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। रूस का रोस्तो पतन इसी नदी के किनारे है, ठीक है। ये आपका रूस लगा हुआ है, ठीक है, ये सभी नदी रूस की हैं। यही है डॉन नदी, नीपर नदी, ये आपकी यहाँ नीपर नदी है। नीपर नदी के बारे में आपको याद रखना है, नीपर नदी का उद्गम मास्को के निकट, मास्को के निकट से होता है और बेलारूस तथा यूक्रेन से बहते हुए यह नदी अपना जल काला सागर में गिराती है। कहाँ, ये नीपर नदी है आपकी, या काला सागर में पानी गिरा रही है। पन बिजली उत्पन्न करने के लिए कई स्थानों पर इस नदी पर बांध बनाए गए। फिर आपकी नीपर के बाद ये विस्चुला नदी है, कौन सी विस्चुला नदी, विस्चुला नदी के बारे में याद रखिए, यह नदी कार्पेथियन पर्वत से निकलकर पोलैंड से बहती हुई बाल्टिक सागर, कहाँ, यह आपका बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर में गिरती है। ये बाल्टिक सागर में जो डेंजिंग खाड़ी है वो इसी में मिलती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी के किनारे है, यह अधिकांश नौगम है, ठीक। फिर आते हैं हम लोग निष्टर नदी, ये आपका निष्टर नदी है, कौन सी निष्टर नदी, इसके बारे में याद रखिए, यह नदी कार्पेथियन के उत्तरी ढील से निकलकर यूक्रेन तथा मालडोवा से बहती हुई काला सागर में मिल जाती है, ठीक है। यह यूक्रेन व मालडोवा की सीमा बनाती है। इसी नदी के तट पर मालडोवा की राजधानी चिसिनाड स्थित है। फिर बात करते हैं ये ओडर नदी है, ओडर नदी, ओडर नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नौगम में, ठीक है, ये बाल्टिक सागर आपका। फिर आते हैं हम लोग ड्रावा नदी, कौन सी ड्रावा नदी, ये ड्रावा नदी है। और फिर है आपकी डेन्यूब नदी, ये आपकी डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी के बारे में याद रखना है आपको, यह जनवरी सॉरी यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लावी वाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेन्यूब
बिया कहा जाता है। डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरे सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर बहती है। इस नदी पर 4 राजधानी शहर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना है अवस्थित है। ठीक है, इसी की सहायक एक मोरावा नदी है। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग एल्ब्स नदी। कौन सी? ये आपकी एल्ब नदी है। कौन सी? एल्ब नदी। ये बह रही एल्ब नदी। एल्ब नदी के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी? एल्ब नदी। ये आपकी चेक गणराज्य के कारकोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हेमबर्ग तथा ड्रेसडेन नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। 1990 में एकीकरण से पहले यह नदी पूर्वी पश्चिमी जर्मनी की सीमा बनाती थी। ठीक है, फिर आपकी वेजर नदी। कौन सी? वेजर नदी। ये आपकी वेजर नदी। ये भी इसके बारे में भी याद रखिए, यह उत्तर पश्चिमी जर्मनी की मुख्य नदी है जो उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। यह बिर्रा तथा कोल्दा नदियों के संगम पर है। ठीक, फिर आप बात करते हैं राइन नदी के बारे में। ये है आपकी राइन नदी। राइन नदी, इसके बारे में याद रखिए। राइन नदी के बारे में, ये इसका पुराना नाम है रेनस। यह नदी आल्पस पर स्थित कंस्टेंस झील से निकलकर फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती हुई यह नीदरलैंड में रोटरडम के पास उत्तरी सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसके तट पर फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रोटरडम, कोलोन, हेडेलबर्ग आदि बसे हैं। यह यूरोप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं, राय नदी को। ठीक है, फिर है आपकी सीन नदी। यह है आपकी सीन नदी। कौन सी? सीन नदी। तो सीन नदी के बारे में आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, कि इसका पुराना नाम सेकाना है। उत्तरी फ्रांस की एक नदी है जो बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। ये आपका एक इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इसमें मिलती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आपकी सीन नदी। फिर पो नदी। क्या? पो नदी। ये आपकी पो नदी। पो नदी के बारे में आपको याद रखिए, पो नदी है जो पो नदी ये इटली की नदी जो आल्पस पर्वत के बीसो सागर से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई एड्रियाटिक सागर के वेनिस खाड़ी यह एड्रियाटिक सागर के वेनिस खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। वो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली का प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्राइबर नदी। ये आपकी ट्राइबर नदी है यहाँ। ठीक है, ट्राइबर नदी जो है ये इटली की एक नदी है जो एपिनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, रोम इसके मुहाने पर स्थित है। वेटिकन सिटी इसके दाहिने किनारे पर स्थित है टाइगर नदी के। अब बात करते हैं हम लोग लुएर नदी। ये अब आपकी लुएर नदी है। लुएर नदी के बारे में आपको याद रखना है। यह नदी लुएर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है जो आर्डेच के पर्वतीय भाग से निकलकर बीस्के की खाड़ी में, यहाँ बीस्के की खाड़ी है, बीस्के की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का अर्लियंस यंस नगर इसी नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आपका रोन नदी। यह है आपकी रोन नदी। कहाँ है? यह है रोन नदी। तो रोन नदी के बारे में आपको याद रखना है। यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्पस पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से बहुत बहती हुई भूमध्य सागर में स्थित लायंस की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है सावोन। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के किनारे है, रोन नदी के। ठीक है, फिर है आपकी एब्रो नदी। ये आपकी एब्रो नदी। ठीक है, ये भी भूमध्य सागर में ही गिरती है। फिर है आपकी ड्यूरो नदी।
ये आपकी ड्यूरो नदी है। तो ड्यूरो नदी के बारे में आपको याद रखना है, स्पेन के ओल्ड केसल से निकलने वाली यह नदी उत्तर पश्चिमी पुर्तगाल में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी घाटी शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। पुर्तगाल का पोर्टो नामक पतन इसी नदी के किनारे पर है, मुहाने पर। ठीक है, फिर आपकी टेगस नदी, ये आपकी टेगस नदी है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर में गिरती है। टेगस नदी के बारे में याद रखना है कि स्पेन के न्यू केसल से निकलने वाली यह नदी स्पेन और पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ये अटलांटिक महासागर। पुर्तगाल की राजधानी लेस्बन, लिस्बन इस नदी के एक मुहाने पर अवस्थित है। ठीक है, अब आपकी बची हुई है, सब देख ही लिए हैं। टेम्स नदी, ये आपकी टेम्स नदी है, उत्तरी सागर में गिरती है। टेम्स नदी के बारे में कुछ याद रखना है, पॉइंट आपको क्या याद रखना है टेम्स के में, इसका पुराना नाम है टेमिसिस। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोटस ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। लंदन तथा ऑक्सफोर्ड नगर इसी के किनारे स्थित हैं। लंदन इसके दोनों किनारे पर स्थित है। लंदन तक यह नदी नोगम है। ठीक है, यही आपकी सानोन नदी है, ये सानोन नदी है। ठीक है, ये अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती है। सैरवन नदी है ये आपकी। ठीक, अब बात करते हैं, ऊपर है आपकी एक कैमी नदी, एक कैमी नदी है जो आर्कटिक सागर में मिलती है। टोर्नी नदी है ये आपकी, ये उमे नदी है, ये इंगर मान नदी है, ये आपकी डाल नदी है, ये आपकी कलार नदी है। ठीक, ये है कलार। तो ये है आपकी यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां। ठीक है, ये आपकी बोलगा नदी देख ही लिए थे, कैस्पियन सागर में मिलती है। ठीक है, बोलगा नदी। अब बात करते हैं इनके कुछ मुख्य तथ्य जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको? तो पहली है एल्ब नदी। यह नदी चेक गणराज्य के कारकोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग तथा डेस डेन नगर इसी के किनारे अवस्थित है। 1990 में एकीकरण से पहले यह नदी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमा बनाती थी। फिर आपकी ओडर नदी। यह नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नोगम है। फिर आपकी टाइबर नदी, इटली की एक नदी जो एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। वेटिकन सिटी इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। फिर आपकी टेम्स नदी, इसका पुराना नाम है टेमिसिस। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोटस ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। लंदन और ऑक्सफोर्ड नगर इसी के नदी के किनारे स्थित है। लंदन इसके दोनों किनारे पर स्थित है। लंदन तक यह नोगम है, नदी नोगम। फिर आपकी डेन्यूब, डेन्यूब नदी के बारे में याद रखिए, यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, वाकिया, हंगरी, यूगो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, रोमानिया से बहती हुई काला सागर में मिलती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेन्यूब बिया कहा जाता है। डेन्यूब नदी बोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर बहती है, तथा इस नदी पर 4 राजधानी शहर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना स्थित हैं। फिर आपकी निस्तर नदी, यह नदी कार्पेथियन के उत्तरी ढील से निकलकर यूक्रेन, मालडोवा से बहती हुई काला सागर में गिरती है। यूक्रेन व मालडोवा की सीमा बनाती है। इसी के तट पर मालडोवा की राजधानी चिसी नाड स्थित है। फ्रेपो नदी, इटली की नदी जो आल्पस पर्वत के बीसों स्थान से निकलकर पूरब दिशा में प्रवाहित होते हुए एडियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। इटली का प्राचीन नाम वेनिस इसी नदी के किनारे है।
नगर, ठीक है, प्राचीन नगर इटली का। फिर है आपकी राइन नदी, इसका पुराना नाम है रेनस। यह नदी आल्पर पर स्थित कांसेटेंस झील से निकलकर फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है। नीदरलैंड में रोटरडम के पास उत्तरी सागर में गिरती है। इसके तट पर फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रोटरडम, कोलोन और हेडेलबर्ग आदि बसे हैं। यह यूरोप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। फिर है आपकी रोन नदी। यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्पस पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से बहते हुए भूमध्य सागर में स्थित लायंस की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है सावोन। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर है आपकी लायर नदी। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है जो आर्डेज के पर्वतीय भाग से निकलकर बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का अर्लियंस नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर है वेस्टुला नदी। यह नदी कार्पेथियन पर्वत से निकलकर पोलैंड से बहती हुई बाल्टिक सागर के डेंजिंग खाड़ी में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी के किनारे स्थित है। यह अधिकांश नौगम है। बात करते हैं आगे। अवस्थिति देख ही ली थी हम लोगों ने सभी नदियों की। ये है आपकी सीन नदी। क्या है? सीन नदी। इसका पुराना नाम है सेकाना। उत्तरी फ्रांस की एक नदी जो बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के किनारे स्थित है। फिर आपकी नीपर नदी। नीपर नदी का उद्गम है मास्को के निकट से होता है और बेलारूस यूक्रेन से बहती हुई यह नदी अपना जल काला सागर में गिराती है। पन बिजली उत्पन्न करने के लिए कई स्थानों पर इस नदी पर बांध बनाए गए हैं। वेजर नदी उत्तरी पश्चिमी जर्मनी की मुख्य नदी जो उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। यह बिर्रा या फुल्दा नदियों के संगम से बनती है। फिर आपका बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी जो रूस की वल्दाई पहाड़ी से निकलकर रूस में बहती हुई कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी के तट पर आपका बोलगा, बोल्गोग्राड, सरातो, अस्तरखान जैसी प्रसिद्ध नगर अवस्थित हैं। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फिर डॉन नदी यह पश्चिम के रूस के टोला से निकलकर एजोब सागर में गिरती है। डॉन नदी को बोल्गा नदी से नहर द्वारा जोड़कर यूरोप का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। रूस का रोस्तोव नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर आपका ड्यूरे नदी, ड्यूरो नदी स्पेन के ओल्ड केसल से निकलने वाली यह नदी उत्तर पश्चिमी पुर्तगाल में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी घाटी शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। पुर्तगाल का पोर्टो नामक पतन इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। फिर आपकी टेगस नदी स्पेन के न्यू कैसल से निकलने वाली यह नदी स्पेन और पुर्तगाल में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। तो ये थी हमारी यूरोप की प्रमुख नदियां, ठीक है। अब बात करेंगे आगे हम लोग एशिया की प्रमुख नदियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।